बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एकेडमी पाकिस्तान। एंड टुडे वी आर हियर फॉर अ टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वेबिनार में हम इंट्रोडक्शन टू रिसर्च को डिस्कस करेंगे। बेसिकली कि रिसर्च होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, डाटा को किस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, रिसर्च डाटा क्या चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद एहसानुल हक एंड आई एम एमफिल स्कॉलर एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आई एम लेक्चरर एट लायलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज फैसलाबाद एंड आई एम सर्विंग एज स्काउट लीडर एट पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद स्काउट्स ग्रुप। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ रिसर्च। अगर हम यहाँ पे रिसर्च के वर्ड की तरफ देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड हमारे पास री एंड द सेकंड वर्ड इज़ सर्च। ठीक है, अगर हम री का मीनिंग देखते हैं तो री का मीनिंग बनता है अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड। तो रिसर्च का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को रीफाइंड करना। ठीक है, इसकी फर्दर डेफिनेशंस के बारे में भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि एक रिसर्च जो है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं एक सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे के अंदर। ठीक है, बेसिकली हमें जब तक रिसर्च के मीनिंग का ही नहीं पता होगा, हम रिसर्च करने का हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कि रिसर्च हम जो कर रहे हैं वो रिसर्च हमारी है क्या। तो बेसिकली हमारे पास पूरी टर्मिनोलॉजी रिसर्च प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रिसर्च को तो हमने देख लिया अगेन फाइंड करना या रीफाइंड करना। ठीक है, प्रोसेस अब हमारे पास आता है स्टेप बाय स्टेप या फेजेस के अंदर, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर के अंदर हमारे पास इसका प्रोसेस आता है। तो हम कहेंगे रिसर्च प्रोसेस मींस अ स्टेप बाय स्टेप और फेज वाइज या एक लॉजिकल या सिस्टमेटिक रीफाइंडिंग प्रोसेस जो होगा उसको हम रिसर्च प्रोसेस बोलेंगे। तो रिसर्च को अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि हमने किसी भी एक प्रॉब्लम को देखना है। ठीक है, किसी भी एक प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है, प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या फिर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये किसी भी एक साइंस की फील्ड का एक कह लें कि कॉर्नस्टोन है, एक बेसिक चीज़ है। जब तक आपके पास रिसर्च नहीं है आपके पास साइंस नहीं है। ठीक है, तो साइंस को चलाने के लिए हमारे पास जो एक बेसिक और लॉजिकल चीज़ है वो हमारे पास रिसर्च है। जब तक हम चीज़ों को रिफाइंड नहीं करते, चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, चीज़ों को हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, हम कहते हैं कि हमारा साइंस पढ़ने का या साइंस की फील्ड का कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली साइंस को हम क्या कहते हैं, साइंस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ठीक है, तो जब तक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है तो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए करें? हम किसी भी एक प्रॉब्लम को देखने के लिए, किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि किसी भी एक प्रॉब्लम को हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट देंगे, उसके लिए हम कोई भी एक चीज़ करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास एक तरह का रिसर्च प्रोसेस होगा। आपने मैट्रिक एफएससी से एक चीज़ पढ़ते आ रहे थे, साइंटिफिक मेथड। जी, साइंटिफिक मेथड के अंदर आप क्या पढ़ रहे थे? जी, हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने जी हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमने एक डिडक्शन बनाया, उसके बाद हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने उसके रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट से हमारे पास लॉ या एक थीरी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सारी के सारे प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले साइंस की एक अगली डेफिनेशन को हम देख लें। यहाँ पर कह रहा है जी साइंस इज बेसिकली ये सिस्टमेटिक रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे टू फाइंड न्यू एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। न्यू और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हमने फाइंड करना है किस तरीके से? सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे से, या फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या किसी एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, इस चीज़ को हम रिसर्च बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला कि हमें साइंटिफिक मेथड जो हमारे टीचर्स पढ़ाया करते थे, जी बेटा ये साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि हमने किसी भी एक प्रॉब्लम को देखना है, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाना है, डिडक्शन बनाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक चेयर है, ठीक है, मुझे नहीं पता थी क्या चीज़ है, मैंने उसको अपने फाइव सेंसेस के थ्रू मैंने उसको टेस्ट भी किया, देखा भी, उसको फील भी किया, मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी कान लगा के, मैंने उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया। ठीक है,
ऑब्जर्व करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ जी, उसके बारे में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनाता हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, ये एक चेयर हो सकती है, एक टेबल हो सकता है, ये एक चारपाई हो सकती है, एक बेड हो सकता है, ठीक है। अब मेरे माइंड के अंदर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आए, मैंने उनको लिख लिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, एक एक्सपेरिमेंट जनरेट करूँगा, उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करने की ट्राई करूँगा जो मैंने अपने हाइपोथेसिस बनाए थे, ठीक है। अच्छा, उसमें अब मैं देखूँगा जी, एक बेड होता है वो इस तरह का होता है, उसके बाद जो एक टेबल होता है उसमें बैक नहीं होती, ठीक है, बेड जो होता है लंबा होता है, चारपाई जो होती है वो और तरह की होती है, लेकिन ये जो चेयर है इसमें सीट भी है, इसमें बैक भी है, इसमें दो आर्म भी है, इसमें फोर लेग्स भी हैं, ठीक है। तो ये ना तो ये चारपाई है ना ये बेड है, तो मैंने उसका एक नया नाम रख दिया, ये जी ये चेयर है, ठीक। मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट क्या कर सकता हूँ, मैं उसका मटीरियल चेक करने के लिए उसको एनालाइज कर सकता हूँ, उसको मैं जला के देख सकता हूँ, अगर वो जलेगा, अगर वो प्लास्टिक की होगी तो प्लास्टिक की स्मेल देगी, अगर वो लकड़ी की होगी तो वो अपने करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर बर्निंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जी, ये क्या चीज़ है, एक चेयर है। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने रिजल्ट निकाला कि ये चेयर, अब रिजल्ट को मैंने अप्लाई करना है, उसकी इंप्लीमेंट करना है। अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चला जाऊँ, वहाँ पर जाके अगर मैं ये बात करता हूँ जी, कोई एक चीज़ है जिसकी फोर लेग्स हैं, टू आर्म्स हैं, एक सीट है, एक बैक है, तो ये चेयर होती है। अच्छा, अब वहाँ पे कोई मेरे सामने चेयर का नाम लेगा तो मेरे माइंड के अंदर चीज़ आ जाएगी कि चेयर इस तरह की होती है, लेकिन अगर मैं वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ पड़ी हुई देखता हूँ तो वो चीज़ पड़ी हुई देखने के बाद मैं बोलूँगा जी ये एक चेयर है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जब तक हम अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, मैं नहीं कहता हमारी एक रिसर्च प्रॉपर वे में पूरी होती है। तो हम कोई भी चीज़ करेंगे, ठीक है, रिसर्च करने के लिए लाजमी है कि आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को, प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम पे डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो ला या थीरिया बना रहे हैं, उसको अप्लाई करें। विदाउट एप्लीकेशन आपकी रिसर्च का फ़ायदा कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे, जब तक हम उस सोल्यूशन का फ़ायदा नहीं उठा लेंगे क्या फ़ायदा हमारे सोल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिसर्च जो है वो दो तरह की हो सकती है, टू टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल रिसर्च के अंदर हम कहते हैं जी ये हम किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, किसी एक लॉजिकल वे के अंदर हम एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के वो अंडर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, हमें किसी ने फंडिंग की थी तो हम उसके अकॉर्डिंग एक हमने रिपोर्ट बना के अगले को बताना है जी आपने मुझे ये टास्क दिया था, मैंने ये टास्क को पूरा किया। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर हम बात करते हैं, विल फाइंड व्हाट यू नीड, हमें जो चीज़ चाहिए हम अपने लिए फाइंड कर रहे थे, मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वही फाइंड करूँगा, मुझे किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो आप एक फॉर्मल रिसर्च करते हैं और फॉर्मल रिसर्च को आप उसके रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट के तौर पे आप उसको बकायदा तौर पे पब्लिश भी करते हैं तो तब हम बोलेंगे जी ये जो चीज़ है एक फॉर्मल रिसर्च थी। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर कोई शर्त नहीं होती जी मैं उसको पब्लिश भी करूँ। सपोज दैट मैं चाह रहा हूँ जी कि मेरे सिटी के अंदर कितने लोग एक ख़ास तरह के डिजीज़ के अंदर मुबतला है, कितने लोगों को हेपेटाइटिस है, या कितने लोग हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या कितने लोग हैं जो मेरे सिटी के अंदर बेरोज़गार है। मैं अपनी तसल्ली के लिए वो चीज़ करना चाह रहा था, मैंने उस पर एक सर्वे किया, एक रिसर्च की, मुझे रिजल्ट्स मिल गए, मुझे सुकून आ गया, मुझे जी अब उसको किसी के साथ खुद शेयर तो कर सकता हूँ, मुझे वो पब्लिश करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको एक प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेके चलूं, ठीक है, एक प्रॉब्लम के साथ उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट्स को भी देखूं, उसको पब्लिश भी कराऊं, तो ये चीज़ अब मैं बोलूँगा कि ये मेरी एक फॉर्मल रिसर्च थी। तो अब हम देखते हैं एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लुकिंग एट द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसका हम हल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम किस बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इन्हेंसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं, देखें जी हम बात करते हैं कि फास्ट फूड हम खा रहे हैं, सपोज दैट हम फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड अच्छी नहीं है, हम उस पर रिसर्च करते हैं, फास्ट फूड्स के या जंक फूड के हम साइड इफेक्ट्स के बारे में प्रॉपर एक रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हम एक रिजल्ट निकालते हैं, वो रिजल्ट ले जाके हम अपनी गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनके सामने जाके उनके टेबल पर रखते थे, देखे जी ये फास्ट फूड हमारी जनरेशन का बेड़ा गर्क कर रही है, इस पर पॉलिसी बनाए, इसको बैन होना चाहिए। जिस तरह आपके लिए ये प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग थे इन पर पाबंदी लगी, क्यों लगी, ऑब्जर्व किया गया, रिसर्च हुई, पता चला जी इसके अंदर डिफरेंट तरह की केमिकल्स हैं, जिसमें एक का नाम मैं लूँगा बिस्फिनोल ए होता है, वो क्या करता है जी आपके लिए कैंसर का बाइस बन रहा है, वो आप में डायबिटीज़ कॉज करवा रहा है, वो आपके अंदर बहुत सारी
डिजीज कॉज करवा रहा है। अब वहाँ पे एक पॉलिसी बनाने के लिए हमने ये जो काम किया हमारा हेल्पफुल साबित हुआ। दूसरी चीज़ है कि पॉलिसी हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन एक प्रॉपर वे के अंदर नहीं चल रही जी। हम रिसर्च करते हैं जी कि कितने परसेंट लोग हैं जो हमारी पुलिस से डरते हैं, ठीक है, कितने परसेंट लोगों के लोग जो हैं वो एक थाने कचहरी में जाने से डरते हैं। हमने उसको देखा, देखने के बाद हमने वो ले जाके किसी एक किसी वजीर के आगे या किसी एक एजेंसी के आगे या उसके अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट काम कर रहे उसके ले जाके टेबल पे रख दिया, देखें जी इतने परसेंट लोग हैं पुलिस से डर रहे हैं। आपकी पॉलिसी या पुलिस आवाम की हिफाजत करती है, ठीक है, लोगों को डरना नहीं चाहिए। आप अपनी पॉलिसी के अंदर कोई तरमीम करें, इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाएं कि पुलिस हमारे जानो माल की हिफाजत तो कर रही है लेकिन ये लोग इससे डरे भी ना, इसको हकीकत में अपना मुहाफिज समझें, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं दे दी इसके बारे में कि आप पॉलिसी के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं या उसके अंदर कोई एक इन्हेंसमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे के अंदर आपकी जो रिसर्च है उसको यूज़ करें अपने कंट्री के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। इस तरह से अपने रिसर्च को डिज़ाइन करें जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर हो या ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करने के लिए भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी, हम रिसर्च को कंडक्ट क्यों करते हैं। रिसर्च कंडक्ट करने के डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं। डिफरेंट पर्पज़ क्या हो सकते हैं जी, आप मैंने जैसे पहले पीछे बात की जी, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अच्छा, फॉर्मल के अंदर हम बात करते हैं जी, एक प्रॉपर डिग्री के हसूल के लिए हम कर रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट हमें मिला है उसके लिए कर रहे हैं, हमारी किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह आप थीसिस लिखते हैं एमफिल पीएचडी में या अक्सर अंडर ग्रेजुएशन के जब आपने अपना डीएमसी या अपनी डिग्री लेनी होती है तो कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है जी, आप एक रिपोर्ट बना के उसके बाद आप रिसर्च करें, कोई ना कोई फंडिंग करें, उसके बाद हम आपको डिग्री देंगे। तो आप अपनी डिग्री के हसूल के लिए रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, कोई पॉलिसी बनाने के लिए रिसर्च कर सकते हैं, किसी पॉलिसी के अंदर जो है वो कोई इन्हेंसमेंट या कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या कोई चेंज करने के लिए आप वो रिसर्च कर सकते हैं। अब ये जो स्लाइड शो की हुई है मैंने, इस स्लाइड के ऊपर देखें वाई वी कंडक्ट रिसर्च, एक इसमें एक नंबर है डिपार्टमेंट्स का जिसमें स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर, रिसर्चर से लेके एक आम इंसान, हॉस्पिटल सोशल वर्कर या एक कंसल्टेंट फिल्म वाला बंदा, एक पब्लिक इंटरेस्ट वाला बंदा भी रिसर्च कर रहा है। पर्पस क्या है जी, इनके बेटर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, गलत फैसलों को रोकने के लिए, एक बेहतर किस्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो है वो, या एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए उन चीज़ों को वो रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च के अंदर तो मेन चीज़ें आती हैं, वो दो मेन चीज़ें क्या हो सकती हैं जी, व्हाट एंड हाउ। व्हाट एंड हाउ, व्हाट क्या है जी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या कंक्लूजन्स हैं, हमारे पास हकीकत क्या चीज़ है और उसके नतायज क्या चीज़ हैं, हकीकत किस चीज़ के प्रॉब्लम की क्या हकीकत थी और उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या हैं, और साइंटिफिक क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं तो वो कैसे हैं, ये प्रॉब्लम है तो कैसे है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं हमारे पास एक प्रॉपर वे के अंदर हम इस पे जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट एंड हाउ पे। उसके बाद हमारे पास एक, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक जैसे कि आपके पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से लर्न कर रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं और उसको मैयर कर रहे हैं। सपोज दैट मेरे पास यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैंने उसको मैयर किया, मैयर किया कि वो प्रॉब्लम किस लेवल तक है, ठीक। अब मैं उस प्रॉब्लम से सीखूंगा, सीखना मैंने क्या जी, उस प्रॉब्लम के साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं या वो जो प्रॉब्लम है वो मेरी डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। अब उसके बारे में उसको बिल्ड करूंगा, बिल्ड करने का मकसद है मैं उसके बारे में कोई एक सोल्यूशन फाइंड करूंगा, सोल्यूशन फाइंड करने के बाद मैं उसको अगेन मैयर करूंगा। रिसर्च, ये देखें एक साइकिल पूरा हो रहा है, यहाँ पे री का मतलब आ रहा है, ठीक है, उसको अगेन मैयर करूँगा जी, जो मैंने वर्किंग की है उस वर्किंग से मेरी प्रॉब्लम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ को जो है वो मैयर करने के बाद, लड़ करके उस पर सोल्यूशन निकालने के बाद उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये वाला जो स्टेप आ रहा है बिल्ड से मैयर की तरफ जाने वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपको इस यहाँ से आपको रिसर्च रीफाइंड की वो समझ आ गई होगी जी, हम उसका इम्प्लीमेंट दोबारा कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे साइंटिफिक मेथड्स के, ठीक है, कि हमारा जो साइंटिफिक मेथड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, हमारी रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए, इसका एक कॉन्स्टेंट रिव्यू हो सकता है, ठीक है, कि हम कोई भी एक रिसर्च कर रहे हैं वो हमारी टेंटेटिव है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं जी, हम इम्पेरिकली उसको वेरीफाइएबल हो, उसको हम किसी भी वक्त पे वेरीफाई कर सकें, ठीक है, रिसर्चेबल हो, उस पर दोबारा काम हो सके, उस पर कोई भी एक साइंटिस्ट उठे उस पर दोबारा काम करे, दोबारा काम करने के बाद वो बोले जी ये चीज़ जो आपने हमें दी है ये गलत है या सही है। आप देखते हैं जी एक साइंटिस्ट आया, उसने एक थ्योरी दी, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 2 साल के बाद एक नया साइंटिस्ट आया, उसने खड़ा होकर अपनी थ्योरी दे दी, कह रही पिछले वाले की गलत थी। गलत उसने कैसे की, पहले वाले का काम रिसर्चेबल था, हम उसने उसको वेरीफाई करना चाहा, ठीक है, या तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी पहले वाले का काम, या पहले वाले का काम जो है वो उसके साथ जस्टिफाई हो जाएगा, हम कहें कि जो पहला साइंटिस्ट कह के गया वो बिल्कुल सही कह के गया है, अगर तो हमारे रिजल्ट उसके साथ मैच हो जाते हैं। अगर हमारे रिजल्ट उसके साथ मैच नहीं होते तो वहाँ पे फिर हम बोलते हैं कि ये चीज़ जो ऑलरेडी साइंटिस्ट करके गया था वो काम गलत करके गया था। लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के एक थ्योरी को रिजेक्ट करने से पहले, डिनाई करने से पहले, हमें अपने काम को अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। अगेन एंड अगेन करने का क्या क्या उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या मकसद है, क्या लॉजिक है? हो सकता है कि जिस मेथड के थ्रू हम अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे वो वाले रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पॉसिबिलिटी है हमारा वो तरीकाकार गलत है, हमारा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन गलत है, हमारा स्टडी डिज़ाइन गलत है, या हम कहीं पे पर्सनल एरर कर रहे हैं, या हमारे अंदर कोई सिस्टमेटिक या कोई इंस्ट्रूमेंटल जो है वो एरर आ रही है। तो जब तक हम अपनी रिसर्च को बार बार रिपीट करेंगे, हमारे रिजल्ट्स एक कॉन्टिन्यूसली पहले साइंटिस्ट के रिजल्ट्स को डिनाई कर रहे होंगे और हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ रहे होंगे अगेन एंड अगेन, वहाँ भी हम फिर स्टेप लेंगे जी पहले वाला साइंटिस्ट गलत बोल के गया था, ठीक है। ये पाकिस्तानी जो है आमतौर पे या पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन चलती है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अगर रिजल्ट ऑलरेडी हुई हुई रिसर्च के अगेंस्ट आ रहे हैं ना, तो हम बोलते हैं हमारा तरीकाकार गलत है जी, मेरी रिसर्च नहीं सही जा रही। लेकिन हम उस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि क्या पता ऑलरेडी जो साइंटिस्ट काम कर चुके हैं वो चीज़ उसकी गलत हो, मतलब हम किसी की रिसर्च को रिफ्यूज़ करने का हौसला नहीं रखते, रिसर्च करें, अपना बेस्ट दें, एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन करें। अगर आपके रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली किसी को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और आपके रिजल्ट सेम आ रहे हैं लेकिन पहले वाले के जो ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट का काम है उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर स्टेप लें, पेपर पब्लिश करें, उसमें बोलें जी ऑलरेडी साइंटिस्ट का ये काम जो था वो गलत था, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि हमारी रिसर्च एथिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, मतलब इस रिसर्च से किसी की कॉन्फिडेंशियल या कोई प्राइवेट चीज़ या कोई प्राइवेसी वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी कोई नुकसान ना हो, किसी इंसानी ज़िंदगी के साथ ना खेले जाए, उसके बाद किसी और जानदार के साथ उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, कि एथिकली रिसर्च एथिक्स होते हैं एक अलग से टॉपिक है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है वो साइंटिफिकली डिफरेंट तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करके हमें रिसर्च करनी पड़ती है, तो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, उस पर अगर हम बात करेंगे तो उस पर भी हम इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे एक आध रिसर्च एथिक्स के बारे में, कि आपकी रिसर्च के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिस पे आप प्रॉपर वे के अंदर चल के रिसर्च को आप कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो रिसर्च होगी वो एथिकली न्यूट्रल होनी चाहिए, इसमें किसी का कोई भी डाटा आप चोरी ना करो, किसी की कोई फीलिंग्स इसके अंदर हर्ट ना हो, किसी को की प्राइवेसी हर्ट ना हो, किसी की ज़िंदगी के साथ या आप फिजिकली उसको किसी किस्म का हर्ट ना करो, ठीक है, ये कुछ रिसर्च एथिक्स होते हैं। उसके बाद हमारी रिसर्च का जो फोर्थ कंपोनेंट आता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ये शेयर्ड एंड मेड पब्लिक, हमारी रिसर्च पब्लिक के साथ शेयर होनी चाहिए। आपने रिसर्च कर लिया करके उसको अपने एक बंद करके फाइल बना के संदूक में ताला लगा दिया, आपको उसकी रिसर्च का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब तक आप अपनी उस रिसर्च को लोगों के साथ पब्लिक के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप उसको एक साइंटिफिक जर्नल के अंदर एक पेपर बना के पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस ऑफ रिसर्च आते हैं जी, रिसर्च के पर्पसेस क्या हो सकते हैं, हम किसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो दीज आर डिफरेंट थ्री वेरी बेसिक पर्पसेस ऑफ योर रिसर्च, कि आप किसी चीज़ को टेस्ट करें, एक्सप्लेन करें, एक्सप्लोर करें, डिस्क्राइब करें, तो ये चीज़ें आपकी
रिसर्च में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के सेंटर में देखिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के साइड्स पे देखें हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन थ्री, सॉल्यूशन फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये वाली पिक्चर उन लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी जो कहते हैं नहीं मैं रिसर्च कर रहा हूँ या मैं रिसर्च कर रही हूँ लेकिन मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर आपके भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो वाला ना हो जिस पे आप काम कर रहे हैं। आप कोई अदर मेथड ट्राई करके देखें, आप कोई दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, हो सकता है आपकी वो जो रिसर्च है या आपकी प्रॉब्लम है आपका उसको कोई दूसरा सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। या एट अ टाइम आप एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, आप दूसरे पे काम ही नहीं करते। ये भी चीज़ आपकी एक तरह से लिमिटेशन है, हम लिमिटेड रह के काम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा तरह के सॉल्यूशंस फाइंड करने की ट्राई करें कि ये चीज़ है इसको मैं कितनी तरह से कर सकता हूँ। जिस तरह हम बात करते हैं मेडिसिन की कंपनीज हैं, एक डिज़ीज़ आई उसकी मेडिसिन उन्होंने बना दी, ठीक है, वो मेडिसिन अपना काम कर रही है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, आए दिन नई एंटीबायोटिक बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, क्यों इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं, क्यों इतना खप रहे हैं हम उस पर। मजबूरी है, क्या मजबूरी है जी, कि हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशन है उससे बेटर सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हमारे अंदर जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं वो उससे ख़ास तरह के पैथोजन के बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जो भी चीज़ हम किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया एक टाइम के बाद उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा, वहाँ पे हमें फिर एक दूसरी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी जल्दी हम कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो हम एक सॉल्यूशन की लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे सॉल्यूशंस पे एट अ टाइम फौरी तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो लोग जो एक ही चीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, एक ही रास्ते पे चल रहे होते हैं किसी भी चीज़ का अपनी रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट करके, तो वो ट्रैप हुए रहते हैं। वहाँ पर ज़रूरत आती है जी एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस की तरफ मूव करें। एक तरह से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे आप दूसरी तरह से चले जाएँ। जिस तरह आपने ट्रैवल करना हो आप जाते हैं जी एक बस स्टैंड पे जाते हैं, बस नहीं मिली, शाम तक आप बैठे रहे बस नहीं आ रही जी, बस के अंदर सीट नहीं है, आप बैठे तो नहीं ना रहेंगे, आप क्या करेंगे किसी दूसरे बस सर्विस की ट्राई करेंगे, आप ट्रेन की ट्राई करेंगे, ठीक है, आप कोई अपनी प्राइवेट जो है वो गाड़ी का अरेंज करेंगे कि मैंने पहुँचना है, ठीक है। तो किसी भी एक प्रॉब्लम का सलूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं और हमेशा बेटर से बेटर सलूशन की तरफ जाना चाहिए। हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हमने कहते हैं जी ये रिसर्च मेरी पूरी हो गई, लेकिन हम वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, उससे आगे उसको इन्हेंस करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रैप हुए होते हैं जी इशू एंड प्रॉब्लम। हमारे पास एक इशू एक प्रॉब्लम के अंदर क्या डिफरेंस है, हमने कभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान होगा जिसने इस चीज़ को सोचा होगा कि एक इशू क्या होता है एक प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं इशू एंड प्रॉब्लम आर द सेम थिंग्स, बट आई विल से दैट दीज आर नॉट सेम थिंग्स। इशू वो चीज़ है जो आपके पास एक टेम्प्रेरी चीज़ है और रेडिली आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं फौरी तौर पे जल्दी से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या चीज़ है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर चलना पड़ता है। रिसर्च की डेफिनेशन की मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, जहाँ पर भी बात की मैंने कहा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमें एक सिस्टमैटिक वे के अंदर चलना पड़ेगा, स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ेगा, और इसी चीज़ को हम अपनी रिसर्च बोल रहे हैं, ठीक है। इशू वो चीज़ है जिसका आप जल्दी से क्विकली सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम को आपको देखने के लिए एक पूरा मैप बनाना पड़ेगा, एक वर्क प्लान बनाना पड़ेगा, एक गैस वर्क बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक सर्टन टाइम के बाद आप जाके उसके सॉल्यूशंस पे पहुँचते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं, बेसिकली अगर हम इसकी टाइप देखें तो बेसिक टाइप्स इसकी टू हैं, बेसिक एंड फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, ये सच फौरी तौर पे एप्लीकेबल चीज़ नहीं है, उसमें हम कोई किसी किस्म की टेक्निक नहीं यूज़ करते, लेकिन अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पे एक टेक्निक अप्लाई करके उस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये हमारी अप्लाइड रिसर्च है।
और अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक बेसिक चीज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर रहे, कोई ऐसा जिस तरह का टेक्निकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हम बोलेंगे जी ये एक हमारे पास बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च है। लेकिन ये हमारी बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च इज़ द बेस ऑफ अप्लाइड रिसर्च। हमारी बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एप्लीकेबल होती है तो अप्लाइड रिसर्च पे होती है, हमारी अप्लाइड रिसर्च की बेस बनाती है। ऐसा सोशली ये इसकी कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं जी अप्लाइड रिसर्च हमारे पास दो तरह की हो सकती है। अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चीज़ें आ सकती हैं। अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात आप ऑलरेडी जानते होगे जी, क्वालिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। क्वालिटेटिव के अंदर हम बात करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हम कर रहे होते हैं जी, क्वालिटेटिव के अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर कोई डिजिट्स या नंबर्स नहीं होते। लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर्स की बात भी करते हैं, हम डिजिट्स की बात भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दरमियान। अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप और भी टाइप्स देख लेते हैं जी रिसर्च की, और क्या टाइप्स हैं इसमें। हम कहते हैं जी मेरे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी है, मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है कि एक रैंडम रिसर्च जिसमें हम अपना एक पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है। उस पॉपुलेशन के अंदर अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि एक जगह है, अगर उस जगह के अंदर 1,000 लोग हैं, हमें 5 स्टडी पार्टिसिपेंट्स चाहिए, तो उस 1,000 बंदे में हर एक पर्सन के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होंगे, कि हमने रैंडमली किसी भी एक बंदे को उठा लेना है, कोई भी 5 बंदे उठा लेने हैं, ठीक है। मतलब उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं किसी भी पर्सन के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होंगे। उसके बाद हमारे पास एक्शन रिसर्च आती है, जो कि एक फैक्ट पे बेस कर रही होगी। पॉलिसी ओरिएंटेशन आती है, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि किसी भी चीज़ को हम पॉलिसी बनाने के लिए या पॉलिसी को उसके अंदर कोई तरमीम करने के लिए, कोई चेंज करने के लिए, कोई इम्प्रूवमेंट इन्हेंसमेंट करने के लिए हम वहाँ पे कोई एक रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉलिसी ओरिएंटेशन होती है। अब आगे हमारे पास आ जाती है जी कंपैरेटिव, कंपैरिजन हम दे रहे हैं, कंपैरेटिव चीज़ के मैनर के अंदर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, चीज़ों को कैजुअल वे के अंदर हम परख रहे हैं, थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं या थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। थ्योरी टेस्टिंग एंड थ्योरी बिल्डिंग हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। थ्योरी टेस्टिंग में हम किसी भी इंसान की थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकली उसको देख रहे हैं, या तो हम फिर एंड पे जाकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर हम एंड पे जाकर उसको सपोर्ट कर देते हैं कि लें जी ये चीज़ आपके रिजल्ट बिल्कुल ठीक थे, या आपके रिजल्ट रिजेक्टेड है। उसके बाद हम थ्योरी बिल्डिंग की बात करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग के अंदर हम कहते हैं कि हमने अपनी रिसर्च की, मैं अपनी एक इन्वेंशन कर रहा हूँ, अपनी कोई एक डिस्कवरी कर रहा हूँ, अपनी एक इन्वेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस बेस पे हम फिर बात करते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो एक थीरी को बिल्ड करने के लिए हेल्प कर रही है। यहाँ पे एक पिक्चर है, जिस तरह एक ग्रीन टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करके डिफरेंट तरह की एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को देखा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हल्का सा इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हम देखते हैं जनरल अप्रोचेस टू रिसर्च। अभी पीछे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात की, तो यहाँ भी उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव की बात हमने की, नो डिजिट्स एंड नंबर्स। क्वांटिटेटिव में डिजिट्स भी हैं, नंबर्स भी, डिजिट भी हैं, नंबर भी हैं। मिक्स मेथड के अंदर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेज आपकी मिक्स मेथड बेस्ड होती हैं। इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं और क्वालिटेटिव डाटा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। आप अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके आप क्या करते हैं जी कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग इतनी आई, करंट इतना फ्लो कर रहा था, मेरा जो केमिकल है वो इतने टाइम के अंदर सिंथिसाइज हो रहा था, मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर यहाँ तक जा रहा था। अब उसके साथ आप उसकी एक पिक्चर भी बना लेते हैं, उस पिक्चर को आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर लगा लेंगे, या आप उस पिक्चर को अपने थीसिस के अंदर पेश कर लेंगे। तो यह इसमें इसके अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। तो मैं इसको बोलूँगा जी ये हमारे पास एक मिक्स्ड मेथड रिसर्च है, कि इसमें क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों चीज़ों को हम अपनी रिसर्च को लेकर चल रहे हैं।
अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है सोशल साइंसेस के अकॉर्डिंग। सोशल साइंसेस डिसिप्लिन में जो है वो साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर तो चलती चलती हैं, सोशल साइंसेस के अंदर अगर हम देखते हैं क्योंकि हमारे पास सोशल साइंसेस के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं जी, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, बिहेवियर के पीछे रीजंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के वीडियोस ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, किसी कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई स्केचेस बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हमें पता है न्यूमेरिकल हमें डाटा चाहिए, उसमें हमें डिजिट्स एंड नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसको फिर डिफरेंट तरह से एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स इन रिसर्च आ जाते हैं। सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें, ठीक है, उसके बाद आप उसके एक्चुअल पर्सपेक्टिव पे जाएं, एक स्टडी को डिज़ाइन करें जिसको आप रिसर्च प्लान भी बोलते हैं। रिसर्च प्लान करने के बाद आप उस पर डाटा को कलेक्ट करें, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको आप एनालाइज करें, एनालिसिस करने के बाद अब आपने अपने डाटा को इंटरप्रेट करना है और दूसरों को इन्फॉर्म करना है। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा को एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि पूरे का पूरा स्टडी डिज़ाइन या एक रिसर्च मेथोडोलॉजी सी एक पिक्चर के अंदर हमारी पड़ी है। हमें प्रॉब्लम का पता चला, प्रॉब्लम को हम सबसे पहले देखेंगे हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बेस पे हम टाइप ऑफ रिसर्च को लेके चलते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बेस पे हम टाइप ऑफ रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे। देखिए जब मेरी एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अंदर मुझे लोगों के व्यूज़ चाहिए, लोगों में देखना है लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, लोगों का नॉलेज स्कोर क्या है, लोग उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उसके लिए मुझे क्रॉस सेक्शन स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी डिजीज़ का देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक डिजीज़ में सपोज है डायबिटीज़ के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए मुझे क्लिनिकल ट्रायल लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैं किसी ड्रग का इफेक्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ, मैं कोई और तरह इस तरह से करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम की नौीयत के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च की टाइप को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, मेरा स्टडी डिज़ाइन प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होगा। अच्छा, जब हमने स्टडी डिज़ाइन कर ली, स्टडी डिज़ाइन करने के बाद मेरा एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करूँगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं डाटा को कलेक्ट करूँगा, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना है, यहाँ पे मेरी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ होने हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको स्टैट्स पढ़ाई जाती है, हम कहते हैं स्टैट्स पता नहीं हमारे किस काम आनी है, वो स्टैट्स आपकी इस जगह पे यूज़ होती है डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा का एनालिसिस करने के लिए, डाटा की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, डाटा को इंटरप्रिट करने के लिए। अब सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है, इन्फॉर्म अदर्स। दूसरों को इन्फॉर्म कैसे कर सकते हैं आप, इसके बारे में डिफरेंट तरह के कोई भी एक वर्कशॉप के अंदर लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, किसी सिंपोजियम के अंदर लोगों को, किसी सेमिनार के अंदर या किसी एक कॉन्फ्रेंस में उस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं लोगों के साथ वर्बली। दूसरी चीज़ है कि आप साइंटिफिकली उसको लोगों के साथ कैसे आप शेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक पेपर में या एक थीसिस के फॉर्मेट के अंदर उसको लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, लोगों के साथ आप शेयर करने का क्या पर्पज़ है, मैंने पहले बताया लॉजिकल वे के अंदर रिसर्च आपकी तभी एक्सेप्ट होगी जब आप उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप एक पेपर के अंदर, एक जर्नल के अंदर उसको लिखने के बाद जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करते कोई नहीं मानेगा जी आपने ये रिसर्च की है, इस वजह से आपका पेपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेपर लिखने के बाद बारे में, पब्लिकेशन करने के बारे में भी इसके भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। एक आपका इरादा था मैं रिसर्च करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, मैं लोगों के अंदर इस चीज़ को अवेयरनेस दूंगा, आपका पेपर लिखने का, लोगों को पढ़ाने का ये नीयत थी। कोई एक प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा रिसर्च करता है, वो अपना पेपर पब्लिश करता है, अब उसका पर्पज़ ये था कि मैं पेपर लिखूंगा, मेरी पब्लिकेशन होगी, इसकी बेस पे मेरी इंक्रीमेंट लगेगी, मेरी प्रमोशन होगी, ठीक है, किसी को अपनी जॉब के लिए ज़रूरत है, किसी को अपने नॉलेज के लिए इसकी ज़रूरत है, ठीक है, किसी को लोगों को अवेयरनेस के लिए, अपने एक वॉलंटरली एक वर्किंग के लिए जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप पब्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पब्लिकेशन नहीं करेंगे दुनिया आपकी रिसर्च को नहीं मानेगी, उसके लिए आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा, एक थीसिस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी जनरल अप्रोचेस रिसर्च की, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जी, मिक्स मेथड है इसमें, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अभी मैं बात कर रहा था जी, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है मेरी, उसकी बेस पे मेरी टाइप ऑफ रिसर्च चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं जी डाटा,
डाटा क्या चीज़ है? बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है लेकिन बड़ी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ भी है ये। डाटा जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, डाटा को मैनेज करना और डाटा का एनालिसिस करना और डाटा की इंटरप्रिटेशन करना जो रिसर्चर्स हैं उनकी रातों की नींद को ये हराम कर देते हैं। तो बेसिकली डाटा क्या जी, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं हमारे पास उनको हम बात करते हैं डाटा है। आपने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को नोट किया, डिफरेंट चीज़ों को देखा, डिफरेंट पिक्चर्स ली, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके डाटा के अंदर स्टोर होती रही हैं। अब उस डाटा को मैनेज करना आपके पास सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको पास डाटा मैनेजमेंट नहीं आती है, आपके पास डाटा मैनेजमेंट का प्लान नहीं है, तब तक आपके एक्सपेरिमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिसर्च प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कि मैं जो रिसर्च प्लान कर रहा हूँ इस पे मेरा एक्सपेरिमेंट ये होगा, एक्सपेरिमेंट इतने दिन के अंदर चलेगा, ठीक है, इसके अंदर मैं डाटा को इन इन तरीकों से मैं डाटा को स्टोर करूँगा, मैंने लैपटॉप में करना है, मैंने पेजेस पे करना है, मैंने अपनी गूगल ड्राइव के अंदर रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी प्लान होनी चाहिए। अब यहाँ दूसरी बात करते हैं जी, डाटा इज़ द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारा जो डाटा है वो किसी भी इंफॉर्मेशन की बेस होता है। इट्स अ बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी एक मीनिंगफुल चीज़ की बेस बना रहा है। इंफॉर्मेशन की डिफाइनिंग हम ये करते हैं जी, एक मीनिंगफुल जो चीज़ होती है वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो डाटा को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं। बेसिकली डेफिनेशन से लेके अब तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी थी, एंड रिजल्ट हमारा ये है, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। वो इंफॉर्मेशन उस प्रॉब्लम को समझने के लिए भी हो सकती है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी हो सकती है। टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है उसके अंदर और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना भी आ रहा है। अगर लेक्चर के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आई विल आंसर यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है इसको अगर आप गौर से देखें, इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मेरा डाटा था, डाटा को मैंने एनालाइज किया, एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे मेरे पास आइडिया आ गया। आइडिया मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, जब तक मैं डाटा को एनालाइज नहीं करूँगा या उसको इंटरप्रिट नहीं करूँगा मेरा आइडिया नहीं बनेगा, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी, मेरा रिजल्ट नहीं बनेगा। तो रिजल्ट बनाने के लिए डाटा का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और डाटा इकट्ठा करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च कंडक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आपके पास किसी एक प्रॉब्लम का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने सोशल सर्कल के अंदर, डेली लाइफ के अंदर देखते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं अपनी सेल्फ जो है वो एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मैट्रिक में था, बैठे बैठे एक दिन माइंड के अंदर क्वेश्चन आया कि ये जो कलर्स हैं ये कैसे बनते हैं, ये कलर्स नज़र कैसे आती हैं, ये जो एक चीज़ है वाइट कैसे है, ये ब्लैक क्यों है, ये रेड क्यों है, ये ब्लू क्यों है। बैठे बैठे क्वेश्चन आया माइंड के अंदर, मैं अपने टीचर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आया है। उन्होंने मुझे उस चीज़ का आंसर नहीं किया, ठीक है। अब वो आंसर करने का मकसद ये नहीं था कि मेरे टीचर को वो चीज़ पता नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो टीचर थे वो मेरे ज़िंदगी के बेस्ट टीचर्स में से एक हैं, ठीक है, खलील साहब नाम है उनका, मैं आपके सामने नाम भी ले देता हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे आंसर नहीं किया, बैठे बैठे मैं वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में। अब मैट्रिक के स्टूडेंट का एक नॉलेज लेवल क्या हो सकता है, लेकिन चीज़ों को सोचते सोचते मैं उस पॉइंट पे पहुँच गया कि किसी भी चीज़ का कलर नज़र क्यों आता है। 7 कलर्स है लाइट के अंदर, वाइट कलर है सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लैक है सबको अब्जॉर्ब कर रहा है, जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमें नज़र आ रही है। तो 1-1.5 घंटा उस चीज़ को मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने उस चीज़ का रिजल्ट निकाला। अब वो सोचने के पीछे मेरे पास क्या चीज़ें थी, मैंने अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग डाटा इकट्ठा किया। अब डाटा क्या था, डिफरेंट चीज़ों को मैंने सैंपल्स लिए, डिफरेंट कलर्स लिए, वाइट है, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्व करने के बाद हो सकता है मुझे पूरी कहानी तो नहीं याद, हो सकता है उसके ऊपर मैंने कोई ना कोई चक्कर भी लगाया हो, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट भी मैंने उस पर किया हो, इस तरह की हरकत भी की हो, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन बाय द वे 1-1.5 घंटा उस पर मैंने काम करने के बाद मैंने उसका एक आंसर ढूंढ लिया। तो ये क्या चीज़ था, मैंने उसके बारे में चीज़ें इकट्ठी की, इकट्ठी करने के बाद मैंने उसको एनालाइज किया। अब वो एनालिसिस आपका दिमाग भी कर सकता है, वो एनालिसिस आपका कोई एक सॉफ्टवेयर भी कर सकता है, आपका कंप्यूटर भी कर सकता है, आपका कोई डिवाइस भी कर सकती है, ठीक है। आपका माइंड भी एक जो कह लें कि एक तरह का कंप्यूटर है, तो इसके अंदर जो एनालिसिस हो रहा है ना ये भी एक बड़ी डेप्थ में जाके आप चीज़ों को सोच रहे होते हैं।
तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, कोई रिसर्च करें, डाटा को एनालाइज करते हैं, तो अपने दिमाग में आने वाली चीज़ों को लिखते जाया करें। कोई पता नहीं आपके दिमाग में आने वाला आइडिया आपको किस जगह पे ले जाके, किस पोजीशन पे आप अटके हुए और आपको वो आइडिया वो क्लिक कर जाए और वो काम कर जाए। ठीक है, तो ये बड़ी एक बेसिक चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डाटा। रिसर्च डाटा कितनी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी ऑब्जर्वेशनल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, सिमुलेशन डाटा एंड डिराइव डाटा। सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे। ऑब्जर्वेशनल डाटा हमारे पास आता है कि हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको पता है हम फाइव सेंसेस को यूज़ करते हैं, जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, किसी चीज़ को देख लें, टेस्ट कर लें, उसको सुन लें, उसको फील कर लें, उसको टच कर लें। ऑब्जर्वेशन से जो आने वाला डाटा है इंतहाई हसास और सेंसिटिव डाटा होता है। अगर ऑब्जर्वेशनल डाटा आपका लॉस हो जाता है तो ये नामुमकिन के बराबर है कि आप उस डाटा को रीजनरेट कर सको। सपोज दैट आप किसी एक एयरपोर्ट पर जाते हो, एयरपोर्ट पे जाके आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हो जी एक प्लेन जब लैंड करता है तो रनवे पे एयर प्रेशर कितना बनेगा, या जो टायर प्लेन का रनवे के ऊपर स्लाइड करेगा तो वहाँ पे कितनी फ्रिक्शन पैदा होगी, या वहाँ पे क्या चीज़ होगी, आपने ऑब्जर्व करना है उन चीज़ों को। अब एक रियल टाइम के अंदर आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व करके डाटा को नोट कर लिया, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप अगेन उसी चीज़ को ऑब्जर्व करें और आपके पास सेम कंडीशंस हों। दूसरी मर्तबा जब आप करेंगे दूसरे प्लेन के लिए, वहाँ पे हवा का रुख भी चेंज हो सकता है, आने वाले प्लेन की स्पीड भी चेंज हो सकती है, आने वाले प्लेन के टायर जिस जगह पे रनवे पे टच हो रहे हैं लाजमी नहीं है वही जगह हो जहाँ पे आपका पहले वाला जो डाटा आपने कलेक्ट किया था उसी जगह पे टच हो। ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशनल डाटा बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है तकरीबन कि आप उसको रीजनरेट कर सकें। तो ये इंतहाई सेंसिटिव डाटा होता है। दूसरी चीज़ अब आ जाती है मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा। कोई एक्सपेरिमेंट मैंने कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट से जो मेरे पास चीज़ें आई हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आई हैं, जो वहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं, उन चीज़ों को मैंने बोला जी ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट से लिया। एक्सपेरिमेंटल डाटा बहुत क्रिटिकल होता है, सेंसिटिव होता है, लेकिन हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं, इसको दोबारा कर सकते हैं। आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, एक्सपेरिमेंट के बाद में आपका वहाँ पे वो चीज़ें आईं, उन चीज़ों को आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के लिए आप दोबारा भी एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं, आपके सेम रिजल्ट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर आपकी हैंडलिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, उसकी कैलिब्रेशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, तो आपके सेम रिजल्ट्स जो हैं वो दोबारा वहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, ये डाटा आपका रीजनरेट हो सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेरे पास सिमुलेशन। सिमुलेशन डाटा के अंदर मैं प्रिडिक्शन करूँगा किसी चीज़ के बारे में, रियल टाइम या जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज़ करूँगा, कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करूँगा, रियल टाइम चीज़ों को यूज़ करते हुए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसका एनालिसिस करूँगा और मैं प्रिडिक्शन करूँगा। महकमा मौसमियात वाले आपको वेदर रिपोर्ट देते हैं, वेदर रिपोर्ट क्या होती है, 3 दिन बाद बारिश होगी, शाम को आंधी आएगी, हेलिंग होगी, मौसम सर्द रहेगा, मौसम गर्म रहेगा। अब महकमा मौसमियात वालों ने बेचारों ने कि बंदा थोड़ी बिठाया आसमान पे जाके जो ऊपर से देख रहा है जी कि बादल किधर करके जा रहे हैं और शाम तक किधर पहुँचेंगे। वो क्या करते हैं, रियल टाइम के अंदर होने वाली चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अगर किसी एक एरिया के अंदर एयर प्रेशर काफ़ी लो है और टम्परेचर ज़्यादा है तो मुमकिन है वहाँ पर आंधी आएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आंधी आएगी, हवा तेज़ चलेगी। ठीक है, अगर हवा का रुख किधर को है, हवा कितनी स्पीड के साथ चल रही है, एयर स्पीड कितनी है और एयर की डायरेक्शन क्या है, उस बेस पे हम बात कर सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं कितनी देर में किस इलाके पे पहुँचेंगे और वहाँ पे बारिश होगी। तो ये चीज़ें हम रियल टाइम में होने वाली नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए हम एक प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, एक चीज़ के बारे में अपना अंदाज़ा बता रहे होते हैं, इस चीज़ को हम सिमुलेशन डाटा बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है डिराइव डाटा, किसी चीज़ को मैंने डिराइव कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे डिराइव डाटा मेरे पास कैसे बनेगा, डिराइव डाटा आना है कि मैं दो डिफरेंट फैक्टर्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, दो डिफरेंट फैक्टर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। किस तरह से, मेरे पास एक सिटी था, एक सिटी की पॉपुलेशन थी,
उस सिटी के अंदर पॉपुलेशन और उस सिटी का एरिया, इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करके अगर मैं एक तीसरी चीज़ दे दूंगा, ये मेरे पास ड्राइव डाटा बन जाएगा। एक सिटी का टोटल एरिया 10 किलोमीटर्स है हर तरफ, ठीक है, 10 या 20 किलोमीटर्स पे वो फैला हुआ है। उसके अंदर अगर 3 लाख लोग रहते हैं तो मैं बता सकता हूँ जी पर मीटर स्क्वेयर में या पर किलोमीटर स्क्वेयर में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन पीपल का नंबर एक अलहदा चीज़ थी, उस सिटी का एरिया एक अलहदा चीज़ थी। मैंने दोनों चीज़ों को मैनेज करने के बाद, दोनों चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, दोनों चीज़ों को ज्वाइन करने के बाद एक तीसरी चीज़ या एक ड्राइव डाटा दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक थर्ड चीज़ बनी। तो एक्सपेरिमेंट डाटा, ऑब्जर्वेशन डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, सिमुलेशन डाटा, ड्राइव डाटा, ये सारी एक बड़ी बेसिक और ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं डाटा की, ठीक है। और ये जितनी भी टाइप का आपके पास डाटा आ रहा है, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको मैनेज करना, इसको एनालाइज करना, इसको इंटरप्रिटेशन करना, आपकी सारी की सारी रिसर्च की जान इस चीज़ के अंदर होती है। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने उस रिसर्च के अंदर एनालिसिस अच्छा नहीं किया, डाटा की इंटरप्रिटेशन अच्छी नहीं की, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं क्लियर हुई। अच्छा, क्वेश्चन आया, टेल मी अगेन अबाउट सिमुलेशन। अच्छा, सिमुलेशन के अंदर हम बात करते हैं जी कि जो डाटा हमारा है उसमें हम नेचुरल चीज़ों को देखने के बाद प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एक रियल टाइम के अंदर जो चीज़ें हमारे पास चल रही हैं उसका एनालिसिस करके हम एक प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा एक और तरह का आ जाता है जी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव देखें, जिस तरह की हमारे पास रिसर्च होगी उसी तरह का हमारे पास आगे डाटा आना है। अगर मैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स देख रहा था, किसी चीज़ का रंग देख रहा था या किसी चीज़ की मुझे पिक्चर चाहिए थी, मैं रिसर्च कर रहा था, तो उसी तरह का मेरे पास डाटा आएगा। वो क्वालिटेटिव हो सकता है, वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में हमें पता है नंबर्स की बात नहीं करते, डिजिट्स की बात नहीं करते, लेकिन क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स एंड डिजिट्स की बात करते हैं, न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। मैंने पहले बात की थी कि हमारी रिसर्च की टाइप प्रॉब्लम की टाइप पे बेस करेगी और हमारे डाटा की टाइप हमारी रिसर्च की टाइप पे बेस करती है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा को हम आगे देख लेते हैं जी, कितनी तरह का हो सकता है। अब यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ डाटा, इसमें दो चीज़ें आई मेरे पास, कैटागोरिकल और क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरा मेरे पास आ गया न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें आ गई, क्वालिटेटिव भी आ गया, क्वांटिटेटिव भी आ गया। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डाटा की। आगे मज़ीद मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक, नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा मेरे पास किसी एक ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनल डाटा मेरे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। किस तरह से, अगर मैं बात करता हूँ जी कैंसर है, कैंसर के स्टेजेस, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर, एक स्टेप वाइज चीज़ों के अंदर हमने इसको अरेंज किया, एक डिजीज़ को अरेंज किया है। एक डिजीज़ है ना, नेम है किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसको नेम को तो आप नहीं कर सकते, नेम कोई नंबर तो नहीं होते, नेम कोई डिजिट तो नहीं होते, लेकिन उस डिजीज़ के डिफरेंट लेवल्स के अंदर हमने उसको डिवाइड कर लिया, उसको एक ऑर्डर फॉर्म में कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं जी न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डाटा भी हमारे पास दो चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टीन्यूस डाटा। अच्छा, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, एक मिनट। अच्छा, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट डाटा जो है वो एक कॉन्टीन्यूस मैनर में नहीं चलता, उसमें डिजिट पूरा होगा हमेशा, लेकिन कॉन्टीन्यूस डाटा में हर एक छोटी सी छोटी वैल्यू में से होके जाता है। जैसे आपने 2 से 3 पर जंप करना है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, आप एक कॉन्टीन्यूस मैनर में, एक एनालॉग मैनर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन डिस्क्रीट डाटा में ऐसा नहीं होगा, डिस्क्रीट हमेशा 2 से 3 पे जंप करेगा, ठीक। मैं बात करता हूँ जी इस वक्त मेरा मेरे लेक्चर के अंदर या मेरी क्लास के अंदर 70 लोग अवेलेबल हैं या इसमें 50 लोग अवेलेबल हैं। अब वो लोग या तो 50 हो सकते हैं या 51 हो सकते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा जी मेरे लेक्चर में 50 लोग हैं या 51 लोग मौजूद हैं या 51 लोग मौजूद हैं। इंसान जो होते हैं वो एक डिस्क्रीट मैनर में ही चलते हैं। इंसान अगर एक होगा या दो होंगे, कभी कोई डेढ़ बंदा नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे आपके डाटा के अंदर चीज़ें होंगी, डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जो कि डिस्क्रीट मैनर के अंदर चलेंगे,
और बहुत सारी चीज़ें आपके डाटा के अंदर होंगी जो कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर चलती हैं। अब जैसे कि अगर आप स्टडी पार्टिसिपेंट देखते हो, आपकी क्लास के अंदर लोग कितने हैं और उनकी हाइट कितनी है, नंबर ऑफ पीपल आपका डिस्क्रीट डाटा के अंदर आएगा, लेकिन उनकी जो हाइट होगी वो कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर आ सकती है। उस क्लास के अंदर 5.1 इंच वाला भी हो सकता है, 5.2 वाला भी हो सकता है, 5.10 वाला भी, 11 वाला भी। इसमें अब आप सेंटीमीटर मिलीमीटर्स में आप कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर उसकी हाइट को आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपके डाटा की डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा में डिफरेंस आ जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाई राइटिंग योर क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स।